Solve 21x plus 47y equal to 110 and 47x plus 21y equal to 162. ये एनसीईआरटी जंपलेट क्वेश्चन है, सॉल्व करने के। अब इसमें आप देखेंगे तो इस टाइप की एक स्पेशल टाइप की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत देखोगे तो जो x का कोफिशियंट होगा दूसरे क्वेश्चन में y का कोफिशियंट होगा, और जो y का कोफिशियंट होगा वही x का कोफिशियंट होता है। इसलिए इसको स्पेशल टाइप की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोल दिया। इसकी खास बात है, अगर आप इसको सामान्यतः जैसे आप नॉर्मल तरीके से लगाओगे तो इसका कैलकुलेशन बहुत लेंदी होगा, जबकि ये उस टाइप की प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, इसको रिकॉग्नाइज किया और पहचान लिया जाए तो पहचान करके इसको कैसे सॉल्व करते हैं जरा देखिएगा। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले अगर इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आपको इससे भी बड़ी डिजिट मिलेगी 210 470 कुछ इस टाइप से भी मिल सकता है, तब तो कैलकुलेशन और लेंदी हो जाएगा। लेकिन अगर टेक्निक से लगाओगे तो एकदम आसान है। क्या करेंगे, पहले दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ध्यान से देखो, ऐड कर लेंगे क्या मिलेगा, 21 प्लस 47 718 और 4268x, इसको जोड़ो जरा 68y, ये भी 68y आएगा बेटा 68y, और इसको जोड़ो जरा 272 करेक्ट। अब ये इक्वेशन 68 से डिविजिबल है, 100% डिविजिबल है, करके देखो क्या मिला, x प्लस y इक्वल टू 4 आएगा। देखिए 4 8 32 चार 32 दो 3 6 24 27, ठीक है ना। तो आपको ये एक तीसरी इक्वेशन मिल गई, यहाँ फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड मिल गई। अब क्या करेंगे सर, अब बेटा जैसे आपने दोनों को ऐड किया था उसी तरीके से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड कर लेंगे। एक बार ऐड किया था, इस बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा, यही सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं, ठीक है, माइनस माइनस माइनस, ठीक। यहां देखिए 47 में से 21 घट सब्ट्रैक्ट करके बताओ 6 और 26 आएगा ना, माइनस 26 करेक्ट। यहां पे देखिए क्या आएगा, प्लस प्लस 26 वाई, एक घर दे बेटा कितना आएगा, माइनस 52, चेक कर लो 52 आएगा ना, चेक कर लो, 2 में से 2 0 होगा, 6 में से 1 5 हो जाएगा, माइनस 52। अब बेटा देखो 26 से डिविजिबल है, चाहे 26 से कर लो चाहे माइनस 26 से कर लो, किससे कर लो, माइनस 26 से करोगे साइन भी चेंज हो जाएगा, इट मींस यू गेट एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, माइनस से कर रहे हैं तो साइन भी चेंज हो, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ठीक है। ये हो गया आपकी फोर्थ इक्वेशन। अब थर्ड और फोर्थ बड़ी सिंपल इक्वेशन मिल गई, इनको सॉल्व करेंगे नॉर्मल तरीके से। क्या सॉल्व इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ किसी भी मेथड से, एलिमिनेशन लगा लेता हूं, लिख ऊपर नीचे लिख देता हूं, पहले थर्ड लिख देता हूं, x प्लस y इक्वल टू 4, नीचे x माइनस y इक्वल टू 2, क्या करेंगे ऐड करेंगे, एडिंग में y कैंसिल, 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3, आया आसान है कि नहीं। और x की वैल्यू आ जाने पर, x की वैल्यू आ जाने पर पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड में रख देते हैं, थर्ड यहां पर है, ऊपर x प्लस y इक्वल टू 4 है, इसमें x की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं, y इक्वल टू 4 देन y इक्वल टू 1, क्या मिला आंसर, x 3 एंड y 1। आसान हुआ कि नहीं, अगर आप उसको नॉर्मल तरीके से करेंगे, नॉर्मल तरीके से करेंगे तो आपको टाइम लगेगा कैलकुलेशन में, जबकि ये क्या करना होता है, दोनों को ऐड करना होता है और दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होता है एक में से दूसरे।